हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे स्विच फंक्शन के बारे में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में स्विच फंक्शन भी होता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। देखिए, जो ग्रेड कैलकुलेशन के लिए हम आई इफ फॉर्मूला यूज करते हैं उसकी जगह हम स्विच फंक्शन यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद आप ही मुझे कमेंट में बताइएगा कि दोनों में से कौन सा ज्यादा आसान है, विच वन इज इजियर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं ओपन करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो ये मैंने ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और यहां पर आ जाएगा क्रिएट, तो यहां पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है और अब आ जाना है व्यू पर और यहां से डिजाइन व्यू पे जाना है। ये स्विच फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं स्विच टेबल का नाम और यहां पर आईडी आ रही है, ये स्टूडेंट आईडी हो सकती है, तो यहां मैं रोल नंबर लिख देता हूं और रोल नंबर। ओके, तो ये रोल नंबर लिख दिया, इसे मैं ऑटो नंबर रखता हूं, ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट का नेम लिखूंगा, स्टूडेंट नेम। ओके, तो यहां मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम और यहां पर रखेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप, और यहां पर क्या करना है हमें, अब उन तमाम सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो जिस भी सब्जेक्ट में हमें मार्क्स देने हैं। तो यहां पर मैथ लिखा हमने और डेटा टाइप हमें हमेशा नंबर रखना है, ठीक है। और यहां पर मैं लिख लेता हूं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस SCIENCE। ओके, तो ये लिख लिया हमने, अब इसको भी रखना है नंबर डेटा टाइप, ठीक है। यहां पर अगला जो सब्जेक्ट है उसे मैं दे देता हूं इंग्लिश, तो यहां इंग्लिश दे दिया हमने, और इंग्लिश देने के बाद यहां पर क्या करना है, नंबर डेटा टाइप रखना है, ठीक है। नंबर डेटा टाइप करने के बाद ये तीन ही सब्जेक्ट हम लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से हम कैलकुलेट कर सकें, वैसे चाहे तो आप और भी ले सकते हैं, चलिए एक और ले ही लेते हैं SST, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा SST, तो यहां SST भी लिख लिया हमने और इसको भी ले लेते हैं नंबर डेटा टाइप। ओके, और यहां से हम करेंगे अब टोटल यानी ऑप्टेंड, तो यहां पर मैं सिर्फ लिखूंगा ऑप्टेंड, लिख दिया हमने, और अब हमें क्या करना है, यहां पे नंबर डेटा टाइप लेना है, ठीक है। और अब हम यहां पे एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो यहां एवरेज भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो इसलिए मैं एवरेज का भी एक फील्ड नेम दे देता हूं और यहां पर नंबर डेटा टाइप ही रखने वाले हैं हम, ठीक है। और एट लास्ट यहां पे अब हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, तो यहां मैं लिखता हूं GRAD ग्रेड। ओके, तो यहां पे हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे और इसको भी रखेंगे हम नंबर डेटा टाइप और यहां से व्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के लिए कहेगा, यहां से इसको यस करेंगे तो ये इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से डिस्प्ले होने लगेगा हमें, ठीक है। अब हमको एक एक करके सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, यानी सबसे पहले ऑप्टेंड कैलकुलेट करना है, यानी मैथ कंप्यूटर साइंस इंग्लिश और SST मिलाकर के कितने नंबर हुए, ठीक है, यानी एडिशन सीखना है सिंपल वे में देखा जाए तो। फिर यहां पे एवरेज हमें सीखना है, फिर ग्रेड सीखना है, तो ग्रेड हमको दो तरीकों से सीखना है। पहला तरीका तो आप पहले से ही जानते हैं, बहुत सारी वीडियोज में मैंने कवर किया हुआ है, आई इफ फॉर्मूला, वो हम पहले लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद से स्विच फंक्शन लगाएंगे और दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा आसान है, वो आप हमें बताएंगे कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां से हम करेंगे स्विच को ऐड। ओके, तो स्विच टेबल को ऐड कर लिया हमने, अब यहां पर डबल क्लिक कीजिए रोल नंबर आ जाएगा, यहां पर डबल क्लिक कीजिए स्टूडेंट नेम आ जाएगा, और यहां पर डबल क्लिक कीजिएगा तो मैथ आएगा, कंप्यूटर साइंस इंग्लिश SST और ऑप्टेन मार्क्स एवरेज। ओके, तो एवरेज तक आ गए हम, अब हमें एट लास्ट ग्रेड को भी ले लेना है यहां से। तो सबसे पहले यहां पे ऑप्टेन कैलकुलेट करना है, राइट क्लिक करता हूं, जूम व्यू पे लेता हूं, दिखाई आपको अच्छे से देगा जूम व्यू पे अगर मैं ले लूंगा तो चलिए जूम व्यू पे ले लिया हमने, और अब हम इसको थोड़ा बोल्ड भी बना देते हैं, बोल्ड में दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहां ऑप्टेन लिखा हुआ आ रहा है, अब हमें यहां कोलन लगाना है, शिफ्ट दबा करके अल्फाबेटिक बटन L के ठीक बाद वाला बटन आप दबाइएगा, कोलन लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए आप, P अल्फाबेटिक बटन के ठीक बाद ओपन होगा स्क्वायर ब्रैकेट और उसी के ठीक बाद क्लोज होगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमें सबसे पहले क्या करना है, यहां लिखना है मैथ, तो यहां लिखा मैंने मैथ, लिख लिया ब्रैकेट को किया क्लोज, ऑपरेटर का निशान, ऑपरेटर का साइन हमें बाहर देना है, फिर यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और वी हैव टू राइट हियर कंप्यूटर साइंस, तो मैंने यहां कंप्यूटर साइंस भी लिख दिया है, ठीक है, ध्यान रहे स्पेलिंग का, ठीक है, कि आपने जो टेबल बनाते समय स्पेलिंग लिखी है उसी स्पेलिंग को आप लिखिएगा, प्लस ऑपरेटर है तो बाहर लिखा हमने इसे। और अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो यहां इंग्लिश भी लिख लेते हैं हम, तो इंग्लिश भी हमने लिख लिया है, प्लस का निशान लगाएंगे,
फिर यहां पे SST लिखेंगे तो SST भी हमने लिख लिया है, इट्स ओके okay, अब यहां पे ओके प्रेस करना है, ठीक है। अब एवरेज की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइए जूम व्यू पे चलते हैं, यहां पर लगाएंगे कोलन और एवरेज आएगा ऑब्टेंड के बेस पे, तो यहां लिखेंगे ऑब्टेंड। और आप हमें बताएं कि कितने सब्जेक्ट हैं, ये गिनिए, एक सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथ, दो तीन चार, ये चार सब्जेक्ट हैं, यानी हमें फोर से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवीजन वाला साइन लगाइए और इसको फोर से डिवाइड कर डालिए, ओके प्रेस कीजिए। अब यहां पे ग्रेड की बारी है, तो सबसे पहले हम आई इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां कोलन लगाते हैं और यहां पे लगाते हैं आई इफ, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, और यहां पर क्या देना है, स्क्वायर ब्रैकेट देना है, क्योंकि एवरेज यहां पे देने वाले हैं हम, तो यहां लिखेंगे एवरेज, स्क्वायर ब्रैकेट को किया क्लोज, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85। देखिए हमारे यो कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ा ग्रेड होता है वो एस ग्रेड होता है, तो यहां पे मैं एस ग्रेड देने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे दे देंगे हम एस ग्रेड, ठीक है, कॉमा देंगे, आई इफ फॉर्मूला दोबारा से यूज करेंगे, इसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। अगर आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो नेस्टेड के बारे में आपको जरूर जानकारी होगी, जब फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला यूज होता है, अगर आपने प्रोग्रामिंग भी पढ़ी है तो आप भी इससे अवेयर जरूर होंगे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करना है, वापिस से हमें एवरेज देना है, तो एवरेज दे दिया हमने, एवरेज देने के बाद लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाना है, और यहां पर देना है 75, ठीक है, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहां पे लिखेंगे ए ग्रेड। अगर कोई व्यक्ति 75 या 75 से ज्यादा पाता है लेकिन 85 से कम पाता है तो वो ए ग्रेड दिया जाएगा उसे, ठीक है। अब यहां पे वापिस से लगाएंगे आई इफ, ठीक है, ये आई इफ फॉर्मूले की नेस्टिंग कर रहे हैं हम, आपने प्रोग्रामिंग में लूप की नेस्टिंग करना पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ आई इफ फॉर्मूले की नेस्टिंग कर रहे हैं हम, और यहां लगाएंगे एवरेज और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब क्या करेंगे 65 करेंगे, ठीक है। 65 के बाद यहां लगाना है डबल इंटेड कॉमा, आपको डबल इंटेड कॉमा ही लगाना है, आप सिंगल सिंगल दो बार नहीं दे सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहां पे ग्रेड देना है, तो अब बी ग्रेड आएगा, तो यहां बी ग्रेड दे दिया हमने। इसके बाद आई इफ फॉर्मूला दोबारा लगाया, ठीक है, और यहां पर क्या करना है, वही चीज की एवरेज, तो यहां पे एवरेज दे देंगे हम, ठीक है, और एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब 55 करेंगे कॉमा, तो कौन सा ग्रेड आएगा, सी ग्रेड आएगा, ठीक है। फिर आई इफ फॉर्मूला लगाएंगे, और अब क्या करेंगे, आई इफ फॉर्मूला लगाने के बाद यहां पे लिखेंगे एवरेज, तो स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया, और एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी हमने 55 किया, अब हम 50 करेंगे, ठीक है, कॉमा देंगे, और अगर 50 हो तो डी ग्रेड आए, और डी के बाद तो कोई ग्रेड होता ही नहीं है, वो सारे फेल वाले होते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फेल्ड, ठीक है, तो फेल्ड लिख दिया हमने। तो अब यहां पे कितने ब्रैकेट क्लोज होंगे, पहला 85, दूसरा 75, तीसरा 65, चौथा 55 और 50, यानी कुल मिला के 5 ब्रैकेट हमने किए क्लोज, और यहां ओके प्रेस करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ग्रेड कैलकुलेट होकर आ रहा है या नहीं। यहां पे छूटा हुआ है एवरेज, तो यहां ये पैरेंथेसिस हम क्लोज कर लेंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, नो प्रॉब्लम, आपका सारा आंसर आ जाएगा एक ही बार में। अब यहां पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, अब हमको कुछ भी लिखना है, तो यहां पे हम स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा सचिन, ठीक है, और मैथ्स में कितने 55, 54, कंप्यूटर साइंस में 66 किया इंग्लिश में, और SST में किया 67, तो अभी इनका ग्रेड भी आ गया, ऑब्टेन मार्क्स भी आ गया और एवरेज भी आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को और भी ज्यादा कंडीशन किसी और चीज में हमें देनी हो, अभी देखिए कितना सारा कंडीशन हमने देना पड़ा, कितने सारे चीजें हमें ध्यान देनी पड़ी, तो अगर हमें क्या करना हो और भी मल्टीपल और भी ज्यादा कंडीशंस देनी हो तो ये काफी लॉन्गर हो जाता है ये इफ आई इफ फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखिए और भी चीजें मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए ये डी ग्रेड आ गया, 52.75 है इनका एवरेज, तो ये डी ग्रेड आ गया, ठीक है। तो ये तो एक बात रही, अब हम इसी चीज को स्विच फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम वहीं चलते हैं डिजाइन व्यू में, तो यहां पर हमने लगाया ग्रेड, अब हम यहां पे स्विच फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो मैं आपको स्विच फॉर्मूले का भी यूज करके दिखा रहा हूं, बहुत ही आसान है, एस डब्ल्यू आई टी सी एच, इसी का हमें यूज करना है, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं
ग्रेड डी, डी का मतलब होता है डुप्लीकेट, मतलब कि इसी चीज का डुप्लीकेट हमने किया, तो ग्रेड डी लिख दिया हमने, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और यहां लिखेंगे एवरेज, बिना कोई स्क्वायर ब्रैकेट के आप लिखिए एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 कॉमा, कौन सा ग्रेड आएगा, एस ग्रेड आएगा कॉमा, यहां पे डायरेक्टली बिना किसी चीज के हमें डायरेक्टली फिर से लिखना है एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 75 कॉमा, अब ए ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें बिना कोई आई इफ या बिना कुछ स्विच लगाए, एक बार हमने स्विच लगा दिया है अब दोबारा नहीं लगाना आपको, अब ग्रेड देते जाइए आप, ठीक है, कंडीशन दीजिए ग्रेड दीजिए। तो फिर यहां पे एवरेज दे दिया हमने, कंडीशन एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अभी हम देंगे 65 कॉमा, तो कौन सा ग्रेड आएगा, यहां पर ग्रेड आ जाएगा बी ग्रेड, ठीक है, तो यहां बी ग्रेड दे दिया हमने। अब हमें क्या करना है, फिर वही एवरेज, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अब क्या करेंगे 55, तो कौन सा ग्रेड आएगा, सी ग्रेड आएगा, तो सी दे दिया हमने। फिर वही एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो कौन सा ग्रेड आएगा, डी ग्रेड आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इफ आई इफ फॉर्मूला जो है वो लास्ट में दो कंडीशन ट्रू या फॉल्स की देता है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स दो कंडीशन दे सकता है, लेकिन स्विच फॉर्मूला ट्रू या फॉल्स दो कंडीशन एक बार में नहीं ले सकता है। इस वजह से हमें एक बार और यहां लिखना होगा एवरेज इज लेस देन, करता हूं मैं, अभी तक ग्रेटर देन होता रहा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब लेस देन होगा, तो लेस देन 50, लेस देन 50 अगर हो जाता है तो वो व्यक्ति, वो लड़का, वो स्टूडेंट फेल्ड हो जाए, तो यहां पे लिख दिया मैंने फेल्ड। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो ब्रैकेट यहां ओपन किया था स्विच वाला उसको क्लोज कीजिए, यहां ओके प्रेस कीजिए और यहां से रन पे क्लिक कीजिए, तो आप देख सकते हैं जो ग्रेड आप आई इफ फॉर्मूले से निकाल रहे थे वही ग्रेड स्विच फॉर्मूले से भी निकाल करके आपके सामने आ चुका है। अब यहां पर देखिए मैं लिखता हूं सुमित अवस्थी, ओके, अब यहां पे सुमित अवस्थी लिखा हमने 77, 33, 23, 55, ठीक है, तो यहां पे देखिए ये फेल्ड ग्रेड आ गया, ठीक है, इसमें भी फेल आया, इसमें भी फेल आया, यानी पहला फॉर्मूला हमने आई इफ लगाया और दूसरा फॉर्मूला हमने लगाया स्विच का। तो आप ही बताएं कौन सा ज्यादा आसान है, जो भी आसान है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।